गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू अटैम्प्ट राइटिंग सेक्शन आपको एलेवेंथ में या ट्वेल्थ में या टेंथ में भी राइटिंग सेक्शन को अटैम्प्ट करना होता है तो व्हाट इज राइटिंग सेक्शन इन राइटिंग सेक्शन वी गेट जनरली टू राइट डायरी पैराग्राफ एसे रिपोर्ट रिपोर्ट राइटिंग नोटिस राइटिंग एप्लीकेशन लेटर ईमेल एट्सेट्रा इट मीन्स वी हैव टू अटैम्प्ट टू राइट समथिंग अबाउट दिज टॉपिक्स वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर ऑल दिज टॉपिक्स इन सारे टॉपिक्स के लिए फॉर्मेट अलग अलग है फॉर्मेट सबका अलग अलग है तो फॉर्मेट आपको डिस्कस करना होता है तो एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे और सारा का फॉर्मेट हम लोगों को समझ में आ जाएगा और उसके बाद उसमें जो बीच में फैक्टर रहता है थीम लिखना है वो कैसे लिखना है मान लीजिए कि तीन पैराग्राफ या चार पैराग्राफ में आप ऐसे लिखेंगे लिटरल लिखेंगे तो फिर बीच का जो थीम रहता है कंटेंट वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे जो बेस्ट वे है द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग अटेम्प्टिंग राइटिंग सेक्शन इज हियर दैट वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ कोडर ये आपके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ ये एन की किताबों में पढ़ना है कि कोडर कोडर का यूज करना चाहिए आपको राइटिंग सेक्शन को अटैम्प्ट करने के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है याद रखने के लिए वेरी शॉर्ट कोडर कोडर का मतलब कोडर का जो सारा लेटर है सी ओ डी ई आर इस सब का अलग अलग मतलब है तो जैसे ही एज सुन एज यू गेट सम टॉपिक टू अटैम्प्ट कोई टॉपिक आपको आया मान लीजिए डायरी लिखना है पैराग्राफ लिखना है या ऐसे यार लेटर ही या कुछ भी नोटिस ही तो व्हाट विल यू डू यू विल अटैम्प्ट फर्स्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ द टॉपिक टॉपिक का मीनिंग क्या है ये आप जानने का प्रयास करें आप जानेंगे सो आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट कोडर व्हाट इज कोडर कोडर को अब डिस्कस करेंगे आपकी सेवा में तो कोडर इज सी इज फॉर कलेक्ट आइडियाज़ यू हैव टू कलेक्ट आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको है स्पोर्ट्स है तो उस पर क्या क्या वर्ड आ सकता है क्या क्या आइडिया हो सकता है तो सारा आपको एक बार दिमाग में कलेक्ट कर लेना है सो कलेक्ट योर आइडियाज़ अगर प्रैक्टिस करना है घर पर तो पेपर पर एक तरफ से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके विषय में उसको लिखिए कि स्पोर्ट्स में क्या क्या लिखा सकता है मान लीजिए कि हेड एक सिरदर्द तो हेड एक के विषय में क्या क्या वर्ड का आप यूज कर सकते हो पेन रिलीफ प्रॉब्लम क्योर डॉक्टर ये सारा कुछ है। तो ये कलेक्ट आइडियाज पहला स्टेप है कोडर को जब आप फॉलो करेंगे वेन यू विल फॉलो कोडर देन यू विल हैव टू कलेक्ट आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक गिवेन फर्स्ट व्हाट एवर टॉपिक इज गिवेहन यू हैव टू कलेक्ट योर आइडियाज अबाउट दैट फर्स्ट दैट इज कलेक्ट आइडियाज़ मीन्स सी जो टॉपिक मिला उसके विषय में आइडिया जो भी आपके दिमाग में आता है ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल जो एलेवेंथ ट्वेल्थ या टेंथ में ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में आइडिया नहीं आइडिया आपके दिमाग में बहुत है आप उस सर्टेन टॉपिक को जिस पर आपको लिखना है उस पर सोचिए कि क्या क्या आइडिया हो सकता है तो आपका दिमाग भी बहुत तेज है तो आप उसमें से बहुत आइडिया अपने आप लिस्ट बना लीजिएगा तो अगर आपको कम से कम पंद्रह या बीस वर्ड उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख पाए तो समझिए कि आपका ये राइटिंग अटेम्प्ट हो गया तो उसके बाद में क्या करेंगे आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज वैन यू हैव कलेक्टेड योर आइडियाज़ देन यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज दैट उसको सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज करें पहले उसका इंट्रोडक्शन बाद में उसका ये माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट जनरल उसका यूज और लास्ट में क्या करना है आपको पॉजिटिविटी शो करना है आपको कोई भी टॉपिक दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ निगेटिव पॉइंट्स हो तो अंत में पॉजिटिविटी भी होती है तो पॉजिटिविटी अंत में एक लाइन ऐसा लिखिए राइटिंग के अंत में आप टॉपिक पर पढ़ कि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं लड़का ये पॉजिटिव है इसको इसके मन में होप है तो ये पॉजिटिविटी भी अंत में सामने नज़र आता हुआ मालूम पड़ना चाहिए ऑर्गेनाइज करें डी ड्राफ्ट ड्राफ्ट करें अब उसके बाद में एक बार आप लिख लें उसको ड्राफ़्ट करें खाका तैयार कर लें रफ़ एक बार कर लेना चाहिए कहा जाता है कि कोई भी बढ़िया प्रेजेंटेशन तभी होता है जब पहले उसका रफ एक खाका तैयार कर लिया जाए तो ड्राफ्ट करना चाहिए एकाए फाइनल स्टेज पर जाना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं होती है फर्स्ट यू हैव टू मेक ए ड्राफ़्ट ड्राफ्ट करें उसका उसको बोलिए कि आप रिहर्सल करें तो ई e, e से होता है एडिट एडिट मतलब उसमें मिस्टेक अगर रह गया हो ड्राफ्ट में तो उसको ठीक करें ड्राफ्ट बनाने का एम क्या है टू फाइंड आउट फॉल्ट्स कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गया उसको ठीक करें ड्राफ्ट करें और उसको एडिट करें एडिट कर दिया आप तो वो एडिटर का काम हो गया एडिटर आप खुद बन गए एडिट किए जो जो गलती मिली उसको फिर से हम लोग एक बार में रिवाइज कर लेंगे फाइनली उसको लिख दिया जाएगा सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ कोडर सी ओ डी ई आर वेन एवर यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट राइटिंग सेक्शन फर्स्ट यूटिलाइज दिस कोडर मीन्स